देंगे, बट 5 एचपी के साथ यहाँ पे 4 किंग के थंडर बच निकलेंगे। बट फाइनली यहाँ पे गॉड लाइक कैपिटलाइज करते हुए सिम के द्वारा एक नेट डाली गई जिसके चलते थंडर का नॉक कंफर्म हो गया। बट अब बारी है गॉड लाइक की डोमिनेट करने की, बहुत ज्यादा क्लोज इन कर चुके हैं और मुझे तो लगता नहीं कि अभी 4 किंग रोक भी पाएंगे। अभी देखिए मुझे तो अभी देखिए रोक पाएंगे नहीं, ये तो उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड पार्टी के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड रहता है। लेकिन अभी के लिए टीम गॉड लाइक जा सकते हैं आगे, यही एक मौका है यहाँ से, पढ़ तो जरूर है क्योंकि देखिए उन्होंने फिनिश फीट को उसको रीड करा है। आप ना केवल अभी के लिए आगे जो दौड़ रहे हैं अपने आप को सर्कल के अंदर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन सामने से रॉक ज्यादा ही मुश्किल है। ये टॉप 8 का सफर तो मुश्किल है, बट यहाँ पे आप देखिए गॉड लाइक का इम्प्रूवमेंट। अभी बचे हुए थे 0 फिनिश के साथ, बट अचानक से यहाँ पे 9 फिनिशेस आपको देखने को मिलेंगे। एडमिनो अभी भी 4 फिनिश के साथ मौजूद है, बट सिंप और जेली ने बहुत ज्यादा स्टेप अप किया है। अभी तो हाई ग्राउंड एडवांटेज भी इनको मिल चुका है। रेड जोन ई स्पोर्ट्स जो कि बिल्कुल उनके नीचे है, कैनरी और बाकी सब उनके ऊपर शॉट डालने की कोशिश, बट जेली यहाँ से बैकअप फायर में नॉक डाउन हो जाएंगे अपने गॉड लाइक। ये क्या करो यार, लेकिन ये यहाँ से अगर हम बात करें, क्या कोई इस चेन का वो रिएक्शन, क्या इस रोप वे का वो इस्तेमाल करता नजर आएगा कि नहीं, तो काफी एक्साइटेड है, लेकिन जरूरत नहीं है, पढ़नी तो नहीं चाहिए सभी के लिए। ये फिलहाल तो गॉड लाइक और टीम आईक्यू सोल का फिर से एक भिड़ंत होता हुआ आपको नजर आएगा। एडमिनो यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो चुके हैं, जेली यहाँ पे नॉक डाउन है, बट सिंप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अकेले खिलाड़ी थे जिनका एचपी बहुत ज्यादा था, ज़ीगॉड अभी फाइनली अपने आप को हील करेंगे, बट एक 2v2 का यहाँ पे मुकाबला। मानिया पुश अप करने की कोशिश, एस पावर का बहुत बढ़िया फ्लैंकर उसी के साथ सिंप को डाउन करेंगे। ज़ीगॉड कोशिश जरूर की जा रही थी कि यहाँ पे रोक पाए उनको, मानिया को यहाँ नॉक डाउन करेंगे, बट ज्यादा फायदा उनको शायद नहीं मिलने वाला है। बट फिर से मैं थोड़ा सा मतलब देखना चाहूंगा कि एक्सपार्क की हालत क्या है, बिकॉज अगर सर्कल के अंदर ये पहुंच जाते हैं 12 फिनिशर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े चिकन डिनर की तैयारी यहाँ पे उनके खेमे में से भी हो रही है। बट ज़ीगॉड की हम फिर से बात करें तो फिर स्मोक्स यहाँ पे ले डाउन करेंगे, कोशिश तो कर रहे कि कोई थर्ड पार्टी एंगल ना क्रिएट हो जाए और पूरा का पूरा जो फोकस है पूरा आईक्यू सोल के ऊपर बना जाए। बट एस पावर इसी के बीच में एक छोटा सा एंगल निकालेंगे, सिर निकाल के वो स्प्रे करेंगे और एक खिलाड़ी को डाउन कर देंगे। जेली को यहाँ पे पूरा का पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा और टीम आईक्यू सोल फिर से ये गेम छीनते हुए आपको नजर आएगी, बोथ टीम एक्सपार्क और गॉड लाइक से। बहुत ही शानदार, और मुझे तो लग रहा है कि अब आखिरी अंतिम जो बैटल चलती नजर आ रही है, यहाँ से ट्राई जरूर कर रहे हैं लेकिन फंसते नजर आ रहे थोड़े बहुत जो खिलाड़ी है ना, बट यहाँ पर अभी के लिए शैडो को क्या